प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम तुलसीदास पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के महानतम कवियों में से एक हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करके वास्तव में पूरे साहित्य को समादृत किया, उसे अलंकृत किया। गोस्वामी तुलसीदास की मुख्य 12 रचनाओं की चर्चा की जाती है, जिसमें रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस में जीवन मूल्यों की जिस तरह से स्थापना की गई है वह अद्भुत है, अकल्पनीय है। तुलसीदास ने तत्कालीन समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, एक सामाजिक और उदात्त समाज की कल्पना की, जिसमें भाई भाई के लिए त्याग करता है, पुत्र पिता के आदेश का पालन करता है और न जाने कितने मूल्यों को एक साथ समेटने की कोशिश की गई है। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें राम और भरत के प्रेम का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया गया है। यह अयोध्या कांड से पाठ लिया गया है, 2 दोहे आपके पाठ में दिए गए हैं, ताकि रामचरितमानस की जो विशेषताएं हैं, उसकी जो खूबियां हैं, उसको आप समझने की कोशिश करें। तो आज हम विस्तार से इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पाठ का वाचन कैसे करें। सुनिमुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कही न सकही कछु करही विचारू, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहितेक अधिक कहौं मैं कहा, मैं जानौं निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को न काहू, मो पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिसन कबहू देखी, शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही, महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन, विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा, मातु मंदि मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपने दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारी जाय जननी कही काहू, हृदय हे रिहा रेहूँ सब ओरा, एक ही भाति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहौ सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। शिक्षार्थियों, इसके उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य है भरत और राम के प्रेम को गहराई से देखना, उसका वर्णन करना। दूसरा उद्देश्य है कि बड़े भाई राम का जो भरत के प्रति आदर भावना थी, उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। तीसरा है भरत के चरित्र की विशेषताओं को उद्घाटित कर सकते हैं और उसके साथ साथ अनेक उदाहरणों के आधार पर तुलसी की भाषा और शिल्प पर भी आप उल्लेख कर पाएंगे। इन्हीं उद्देश्यों को देखने के लिए आइए सबसे पहले हम पाठ के पहले अंश को देखते हैं।
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू, पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह चल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहों मैं कहा। मुनि का आदेश सुनकर और रामचंद्र जी के आदेश को मानकर या रामचंद्र जी के रुख को देखते हुए भरत ने अपने स्वभाव के अनुसार लखी अपने सिर सबु छरु भारू, अपने सिर पर सबके भार को लेकर कहीं न सकहीं कछु करहीं बिचारू, सबको लेते हुए वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो भाव विभोर हो गए हैं। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, सभा के बीच में खड़े हो गए हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, उनके कमल नयन प्रेम रूपी जल से आप्लावित हो गए हैं। ये पूरा चित्र दिया गया है। इसका प्रसंग ये है कि रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए हैं और जब भरत ननिहाल से लौट कर आते हैं तो उन्हें जब पता लगता है कि हमारे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी जंगल चले गए हैं तो वे अयोध्या वासियों को और गुरु वशिष्ठ को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर श्री राम से अनुरोध करते हैं। उसी समय का यह वर्णन है और यहाँ पे गुरु के आदेश के अनुसार भरत जी अपनी बात कहने के लिए सभा के बीच में खड़े हुए हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा। भरत जी कहते हैं कि जो मैं कहना चाहता था वो मुनि ने कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। अर्थात जो प्रस्ताव मैं रखना चाहता था वो बातें गुरु ने कह दी हैं। मैं जानहुं निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को न काऊ। वो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का वर्णन करते हैं कि उनका जो स्वभाव है वो इतना सुंदर है कि वो किसी के अपराध करने पर अर्थात कुछ गलत करने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं। मुँह पर कृपा स्नेह विशेष ही, और मुझ पर उनकी विशेष कृपा है क्योंकि खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। कभी भी मैंने खेल में भी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। शिशुपन ते परिहरे हो न संगू, बचपन से ही उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। कबहूँ न किन्न मोर मन भंगू, और कभी मेरे मन को दुखाया भी नहीं उन्होंने। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हूँ खेल जितावहीं मोही। प्रभु की ऐसी कृपा रही है कि वह खेल में जब जीतते भी थे तब भी वह हार जाते थे और हमें खेल में जिता देते थे। अर्थात श्री राम का व्यक्तित्व विशाल है, उदात्त है, और सच कहें तो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे पुनः अयोध्या चलें और वहाँ का सिंहासन ग्रहण करें। वरज कहते हैं कि महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन। मेरे मन में संकोच है इसलिए मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ। दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। इतने दिन साथ रहने पर भी आज भी मेरे नैन उनके दर्शन के लिए प्यासे हैं। अर्थात उनका जो स्वभाव है, उनका जो प्रेम है, वह वास्तव में अतृप्त करने वाला है, कभी भी तृप्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं उनके प्रेम के प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। आगे का प्रसंग है कि विधि न सके हो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। भरत जी कहते हैं कि भगवान को भी विधाता को भी हमारा जो यह दुलार प्यार था, यह प्रेम था, वह सहन नहीं हुआ और
उन्होंने मेरी माँ के बहाने हमारे अंदर भेद पैदा कर दिया, क्योंकि कभी भी हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम दोनों के बीच किसी तरह का कभी भी मनमुटाव होगा, किसी तरह की भेद दृष्टि पैदा होगी। यह कहत मोहि आज उन शोभा, यह कहते हुए आज मुझे शोभा नहीं दे रहा है कि अपनी समझी साधु सुचि कोभा, क्योंकि अपने मन के अनुसार कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। मातु मंदि में साधु सुचाली, उरे अस आनत कोटि कुचाली। यदि मैं माँ को मंद बुद्धि कहूँ और अपने को होशियार कहूँ, तो इस तरह की भावना मन में लाना भी करोड़ों कदाचार के बराबर है, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। फरई की कोदव बाली सुशाली, उदाहरण देके वो बताते हैं कि कोदव अर्थात एक तरह का जो मोटा अनाज होता है उसको कोदव कहते हैं। तो कहते हैं कि क्या कोदव में बाली सुशाली, सुशाली का अर्थ होता है एक अच्छे किस्म का धान, बाली सुशाली, तो कोदव के पौधे में अच्छे किस्म का धान कैसे पैदा हो सकता है। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, काले घोंघा में मुक्ता का जन्म कैसे हो सकता है। अर्थात ये उदाहरण देकर वो बताना चाहते हैं कि अगर जो पैदा करने वाला है उसमें खोट है तो उसके संतान में भी खोट होगा। सपने हो दोष कलेश न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। लेकिन फिर वो कहते हैं कि किसी को दोष देना ठीक नहीं है, वास्तव में मोर अभाग मेरा ही अभाग्य है, दुर्भाग्य है। वह उदधि अवगाहू, समुद्र के समान बड़ा है, अर्थात समुद्र के समान विशाल मेरा दुर्भाग्य है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारी हूँ जाय जननी कही काहू। बिना समझे बुझे मैंने अपनी माँ को अपशब्द कहा है और उन पर व्यंग्य किया है, यह उचित नहीं है। हृदय हे रिहा रेहूँ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। हृदय हे रिहा रेहूँ सब ओरा, मैं हृदय से पूरी तरह हार गया हूँ, क्योंकि अब मेरा जो भला हो सकता है वह उसका एक ही उपाय है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। हमारे गुरु यहाँ पे विद्यमान हैं और हमारे साहब अर्थात स्वामी श्री राम यहाँ सीता जी के साथ विराजमान हैं, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि यह अब जो परिणाम होगा वह बहुत ही सुखद होगा। और अंत में कहते हैं कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। यहाँ साधुओं की सभा है, गुरु भी बैठे हुए हैं और मैं सच्चे मन से सात्विक भाव से अपनी बात कह रहा हूँ, तो मेरा यह जो प्रेम है वह सच है कि झूठ है, यह मुनि वशिष्ठ भी जानते हैं और हमारे श्री रामचंद्र जी भी जानते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबों का यही मन है कि भगवान रामचंद्र जी वापस जाएं। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से दो दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत किए हमने और आपने देखा कि किस तरह से भरत जी श्री रामचंद्र जी के सामने अपनी बात को रखते हैं, पूरी सभा के सामने रखते हैं और यह कहते हैं कि हम सभी वास्तव में अपराध महसूस कर रहे हैं, आप कृपा करें और सबके मन में यही भाव है कि आप वापस चलें। शिक्षार्थियों, अभी आपने देखा कि इन दो दोहों में बहुत से भावों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इसमें भरत का प्रेम भी उजागर होता है, श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका आदर भाव भी प्रदर्शित होता है,
गुरु वशिष्ठ के प्रति उनका भाव प्रदर्शित होता है। अपनी माँ को वह कठोर शब्द भी कहते हैं, लेकिन फिर उसके लिए वह क्षमा याचना भी करते हैं कि किसी के प्रति आप शब्द कहने का उनका अधिकार नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े आदर के साथ अपना अनुरोध प्रस्तुत करते हैं, और इन सब चीज़ों को तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस का पाठ करें तो देखेंगे कि भरत का जो प्रसंग है अयोध्या कांड में, वह बहुत ही मार्मिक है, और तुलसीदास ने भरत के चरित्र को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर स्थापित किया है। सब कुछ विपरीत हो जाए, फिर भी भरत का चरित्र जो है वह मैला नहीं हो सकता। भरत वास्तव में एक उदात्त पुरुष हैं, और उनका जो चरित्र है वह बहुत ही व्यापक है। तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखें, और अगर मौका लगे तो आप रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ें तो भरत के चरित्र की और भी विशेषताएँ देखने को मिलेंगी। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य को भी देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें भाषा का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण हुआ है, भाषा का उदात्त रूप प्रस्तुत हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार आपको कई जगहों पे मिलेंगे, जैसे कि माँ तुमंदी में साधु सुचाली या नीरज नयन नेह जल बाढ़े, इस तरह से आप कई जगह देखेंगे अनुप्रास अलंकार। और नीरज नयन में उपमा अलंकार है, नेह जल में रूपक अलंकार है। तो इस तरह से कई उदाहरणों के माध्यम से भी उन्होंने बात को स्पष्ट किया है। फरही की कोदव बाल सुशाली दृष्टांत अलंकार के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो अलंकार का सुंदर विधान यहाँ किया गया है। और अगर भाषा की बात करें तो यह अवधि भाषा है। जहाँ तक छंद विधान की बात है तो इसमें दोहा चौपाई छंद है। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, और चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। तुलसीदास के रचना क्रम को देखें तो उन्होंने अन्य रचनाओं में सोरठा छप्पय छंदों का भी प्रयोग किया है, और ब्रजभाषा का भी प्रयोग उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो तुलसीदास पाठ है, इसमें भरत का भाई प्रेम दिखाया गया है, और इस प्रेम का जो उदात्त रूप है, इसमें जो गहराई है, विभिन्न आयाम हैं। भरत के मन में राम के प्रति बहुत ही आदर का भाव है, और वे चाहते हैं कि राम अयोध्या में वापस लौट जाएं और उनके साथ रहें, राजगद्दी को संभालें। यह भाई का त्याग है, दिव्य प्रेम है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो कैकेयी के प्रति उन्होंने कठोर वचन कहे हैं, उनके प्रति भरत पश्चाताप करते हैं, और जो उन्होंने कई जगह माँ के प्रति जो गलत शब्दों का प्रयोग किया है, उन सभी के प्रति क्षमा मांगते हैं वो। तुलसी की जो भाषा है और उनकी जो भंगिमाएं हैं कथन की, उसको भी आपने अभी देखा। कवि शब्दों को बहुत चतुर ढंग से वह प्रस्तुत करता है, और मनोभावों के चित्रण में तुलसीदास वास्तव में सिद्धहस्त हैं। तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विचार बड़े ही उदात्त रूप में उनके रचनाओं में दृष्टिगत होते हैं। अलंकार के रूप में आपने देखा कि अनुप्रास के अलावा उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तुलसी की भाषा अवधि है। इस तरह से आप इस पूरे पाठ को देखें अगर, तो आपको ये प्रतीत होगा कि यह जो पाठ है वह तुलसी की भक्ति भावना को प्रदर्शित करता है, तुलसी के प्रेम भाव को, उनके समर्पण को, त्याग आदि मूल्यों को भी प्रदर्शित करता है, और साथ ही साथ उनकी भाषा की जो सुंदरता है, उनका जो शिल्प विधान है, उसको भी कहीं ना कहीं रेखांकित करता है। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वह मुख्य रूप से भरत के भ्राति प्रेम पर आधारित होंगे,
अगर इन पंक्तियों के अर्थ को आपने ठीक से समझ लिया है तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसे बार बार पढ़ें और अभ्यास करें और हम समझते हैं कि आपको इस चर्चा से लाभ हुआ होगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 67वां गणतंत्र दिवस NIOS के लिए विशेष आयोजन का साक्षी रहा। यह आयोजन था एक सामाजिक सद्भावना के संकेत के रूप में। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी ने दिव्यांगों को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 के परेड में सम्मिलित होने के लिए और इसके अवलोकन के लिए। मेरा NIOS से विशेष निवेदन है, 26 जनवरी को NIOS के सौजन्य से ये स्पेशल विद्यार्थी विशेष रूप से दिल्ली आए और गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हों, उस परेड को स्वयं देखें। दिल्ली आएंगे? आना होगा ना सबका? दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए दिल्ली में अशोक रोड स्थित YWCA में ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया। NIOS द्वारा इन दिव्यांग शिक्षार्थियों को राजघाट दिल्ली, NIOS मुख्यालय और आगरा भ्रमण के विशेष प्रबंध भी किए गए। NIOS द्वारा इन दिव्यांगों के लिए राजपथ के 20 नंबर अहाते में परेड देखने के विशेष प्रबंध भी किए गए।
का इलाज चाहे सिर्फ हमारे पास NIOS NIOS। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। दूर दराज क्षेत्रों से आए इन दिव्यांग शिक्षार्थियों के चेहरों की रौनक और आंखों की चमक से खुशी और सौहार्द साफ सी झलकती दिख रही है। NIOS के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आगरा और दिल्ली की सैर कर सके। इस एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं, और हमारी पूरी टीम मेंबर, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को ये मौका बहुत अच्छा लगा है और वो लोग सब खुश हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने किसी ने सुना कि आप मोदी जी से पास से बहुत पास से मिले क्या? पहली बार मोदी ऐसे कर रहे थे? कितने पास से? दूर थे पास? ये ऐसे ऐसे आपको बोला? आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा क्या? आंखों में देखा। ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने जहाँ गई है वो इंडोनेशिया गई है, जापान से खेल के आई है और इंडिया में कई एक जगह पे खेली है, तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस ये साइन लैंग्वेज के द्वारा बताई है कि हम हर जगह पे जा रहे हैं और खेल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ आने के बाद लगता है कुछ और अलग ज़िंदगी मिल गया। हमारे पेरेंट्स भी नहीं सोच सकते थे कि हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है यहाँ, इसलिए मैं NIOS की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें और ऊँचा तक ले जाएँ और जहाँ तक हमसे होगा मेहनत करना, हम मेहनत करने में से पीछे नहीं हटेंगे। मैं हमें दिल्ली आने में बहुत अच्छा लगा। बाहो लालाद थतुल मोहला चे चेना निकनो हलक आई है टुक टुक चे। वी सॉ द रिपब्लिक डे परेड एंड द फाइटर प्लेन्स एंड असम एंड ऑल द झाकियाज एंड इट वाज सुपर्ब, इट वाज ब्रिलियंट। या इवन या Prime Minister, we met, we saw him, we shook hands with him. Now the third day, NIOS chairman, office we have visited and we've met the chairman. And how do you feel? It was all good, right? Yeah, all of them are very thankful to NIOS for all the support that they do. Thank you. NIOS के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो यहाँ आए और इसकी शोभा बढ़ाए। कई बच्चों ने ये कहा कि उनके लिए सौभाग्य का अवसर था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि NIOS के लिए ये सौभाग्य का अवसर था कि ये बच्चे समय निकाल पाए, इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आए और इतने प्रसन्न हैं कि अपनी संस्था में वो आए हैं। NIOS प्रतिबद्ध है समाज के दिव्यांगों के प्रति गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग।